व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आप देख रहे हो कर्ण पोल्ट्री। सो मेरा चिक्स आ गया है आज 22 तारीख को। मैंने ना चिक्स लिए डालना था तो मुझे ना चिक्स जल्दी मिल गया तो डालना पड़ा चिक्स मुझे। तो पहले बात करते हैं चिक्स की। चिक्स मैंने डाला है अभी 22,000, नीचे ऊपर दोनों शेड में। आप देख सकते हो मेरी बोरिंग, बोरी लगी है पूरे शेड में। आपको पता ही है कि सर्दी आ गई है पूरी अभी, तो आप देख सकते हो हल्का हल्का बच्चा इकट्ठा भी है, क्योंकि अभी चिक्स आया है तो टेम्परेचर बन जाएगा धीरे धीरे। वैसे अभी टेम्परेचर इसका अप्रॉक्स 80-90 के बीच में होगा। पूरी बोरी मैंने लगा दी है, भट्टी हमारी चल रही है। मैंने नीचे भट्टी लगाई हुई है अपनी, 8 नीचे लगाई हैं, 8 ऊपर लगाई हैं। पानी वाले डब्बे लगाए हुए हैं। इसमें जो मैंने पानी दिया है वो गुड़ वाला पानी दिया है। 1 किलो गुड़ 1,000 बच्चे के पीछे देते हैं। बल्ब लगाए हैं मैंने 200 वाट के। बाकी पूरी शेड को मैंने सील किया है पूरा, बाहर से हवा कहीं भी आ जा नहीं रही। आपको पता ही है कि जैसे चिक्स आता है सर्दियों में, तो टेम्परेचर का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो पिछले फ्लोक का मेरा जो भी था, कितनी FCR थी, वो मैं ना वीडियो डालूंगा भाई। सॉरी मैं बिजी था, अपने घर पे शादी थी हमारे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली अपने लास्ट बैच की। वो वीडियो मैं डाल दूंगा कल, आप देख लेना कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ था। मैं वीडियो बनाऊंगा तो सारा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो भी बात करते हैं हम चिक्स के बारे में। बाकी मैं डालूंगा इसको, जो मेडिसिन देते हैं वही अपने पुराने वाला, ये कोर सेम मल्टी विटामिन और साथ में एंटीबायोटिक 3-4 दिन के लिए जो मैं इसको दूंगा। पिछली बार मैंने दे रहा हूँ बायोट्रिम, इस बार मैंने एंटीबायोटिक का चेंज किया है, क्योंकि बार बार ना एक ही चीज़ देने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब कि उसका असर कम हो जाता है। सॉरी, तो जो इसको हम सुबह एंटीबायोटिक देंगे वो मैं फोटो वीडियो डाल दूंगा। बाकी बात करते हैं कल। थैंक यू।